सो हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल गेमिंग स्पूफ पर। सो आज हम एक और नई वीडियो लेकर आ चुके हैं अपने माइनक्राफ्ट के ऊपर। सो अगर आपको याद होगा कि हमने मतलब अपना सर्वाइवल तो हम मतलब कंटिन्यू कर ही रहे हैं, और हमने एक स्काई ब्लॉक की नई सीरीज स्टार्ट की है। पिछला एपिसोड स्काई ब्लॉक का ही था, और ये फिर से मैं एक और स्काई ब्लॉक का एपिसोड लेकर आ चुका हूँ। सो आज के एपिसोड में मैंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं पिछले एपिसोड से। सो सबसे पहले हम फ्रंट पर्सन में चलते हैं, FPP में चलते हैं, उसके बाद आप सभी लोगों को मिलते हैं। सो दोस्तों हम FPP में आ चुके हैं। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चेंजेस किए हैं मैंने इसके अंदर, और ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया स्काई ब्लॉक है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हो। सो सबसे पहले तो मैं बता दूँ, ये मैंने जो इतनी बड़ी लाइन लगाई थी ये मैंने इसलिए लगाई थी ताकि मैं चेक कर सकूँ कि वहाँ पर या कहीं भी कोई आइलैंड है या नहीं। और मैंने चेक कर लिया है मैंने कि यहाँ पर कोई भी नज़दीक आइलैंड नहीं है, मतलब कोई आइलैंड है ही नहीं इसके अंदर। सो मैं आपको दिखाता हूँ फिर हम कैसे मटेरियल्स इकट्ठे करेंगे। तो सब कुछ मुझे सीख लिया है मैंने पिछले एपिसोड के बाद में। सो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं। सबसे पहले तो मैंने ये एक इन अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना दिया है, और मैंने थोड़ा थोड़ा अपना लैंड एक्सपेंड कर दिया है, और यहाँ पर मैंने मतलब और काफ़ी लैंड एक्सपेंड किया। थोड़ी सी यहाँ पे फिलिंग रह गई, वो मैं कर दूंगा। कॉबल स्टोन्स मेरे पास ख़त्म हो चुके थे। और आज के एपिसोड में हम बनाएंगे अपना नया घर, और ये मैं RTX ग्राफिक्स के साथ खेल रहा हूँ आज गेम, मतलब शेडर्स लगाकर, शेडर पैक्स के साथ। सो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मतलब सब कुछ होगा। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही ज़्यादा सही ये जो है स्काई ब्लॉक है। सबसे पहले तो हमें बुक चाहिए, अचीवमेंट बुक, जैसे कि अभी ना जैसे पिछली मतलब पिछले एपिसोड में मैंने 64 कॉबलस्टोन्स कलेक्ट कर लिए थे, और मैंने अपने मन से ही कह दिया था कि अचीवमेंट्स, हाँ भाई अपनी अचीवमेंट्स कंप्लीट हो गई। लेकिन गेम वाले खुद अपनी अचीवमेंट्स कंप्लीट करेंगे, और मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे यहाँ पर फर्स्ट पेज पर लिखा हुआ है 64 कॉबलस्टोन, और जो 64 कॉबलस्टोन के नीचे लिखा हुआ है वो हमारा रिवॉर्ड है। मतलब 64 कॉबलस्टोन इकट्ठे करने के बाद हमें ये एक रिवॉर्ड मिलेगा, जैसे कि 16 आयरन और 1 पिस्टन स्लाइम ब्लॉक, ये हमें रिवॉर्ड मिलेगा 64 कॉबलस्टोन इकट्ठे करने का। सो अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमने मतलब ये इकट्ठे कैसे करना है, मतलब ये पूरी कैसी करती हैं अचीवमेंट्स। जैसे समझो मैंने ना 64 कॉबलस्टोन, समझ लो ये 64 कॉबलस्टोन है, और ये जो चेस्ट है ना ये अचीवमेंट चेस्ट है, और मैंने यहाँ पर 64 कॉबलस्टोन्स रख दिए, और साथ ही मैंने अचीवमेंट बुक रख दी। उसके बाद मैं क्रॉस करूँगा और दोबारा से चेस्ट खोलूँगा, और मुझे सारे रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे, और 64 कॉबलस्टोन्स भी वहीं के वहीं ही रहेंगे। ये अचीवमेंट्स हमने ऐसे कंप्लीट करनी होती है। और अभी जो हमें 16 आयरन ओर मिल चुका है, एक पिस्टन और एक स्लाइम ब्लॉक हमें मिल चुका है, मेरी चेस्ट के अंदर पड़ा है, आप लोगों ने देख लिया होगा। अभी आयरन का हम जैसे वो बना सकते हैं स्वॉर्ड या पिकेक्स वगैरह। सो हमारा जो सेकंड टास्क है वो है 32 टॉर्चेस हमें मतलब चाहिए होंगी, और उसके बाद हमें रिवॉर्ड मिलेगा 10 डर्ट और एक ग्राफ ब्लॉक का। सो हम मतलब आज के एपिसोड में हम मेन तो हमारा वैसे ये घर बनाना है एक, और सेकंड मेन जो है कि हमने टॉर्चेस बनानी है। सो सबसे पहले तो हमारा जो ट्री उग चुका है इसे हम तोड़ देते हैं, क्योंकि इससे ही हमारी टॉर्चेस बनेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास कोल तो है नहीं बिल्कुल भी। तो हम ट्री को जलाकर बना लेंगे 4 कोल, और 4 कोल से हम टॉर्चेस बना लेंगे। सो अभी मैं थोड़ा सा ये वुड और वगैरह निकाल लेता हूँ। सो अभी हमें फर्नेस के अंदर डालना पड़ेगा ये, जहाँ से 4 कोल बन जाए, इसको मैं अंदर डाल देता हूँ, एक को डाल देते हैं, मतलब थोड़ी सी बाहर निकाल लेते हैं। 32 टॉर्चेस चाहिए यार, मैंने सारी डाल दी। और यहाँ पर हमारे सैपलिंग्स भी ड्रॉप होना शुरू हो चुके हैं, और यहाँ पर हम दोबारा से लगा ही देते हैं सैपलिंग, और ये अपने आप झड़ जाएंगे थोड़ी देर पर। और भाई साहब आप ग्राफिक्स देखो, कितने सही ग्राफिक्स लग रहे हैं यार इसके अंदर। ये देखो पूरी झाड़ियाँ वगैरह सब कुछ हिल रहा है, और पानी देखो, पानी भी हिल रहा है, सब कुछ सही, पूरे मतलब सही ग्राफिक्स हैं। बादल वगैरह देखो,
बादल वगैरह इतने राउंड तो नहीं है लेकिन ऐसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, और मून भी बहुत सही है। अगर आपको ये ग्राफिक्स डाउनलोड करने हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं आपको इसका डाउनलोड लिंक दे दूंगा सीधा ही। अभी जितनी देर तक हमारा ये बनता है, वैसे तो बन ही गया, पहले हम टॉर्चेस ही बना लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी सी हमें माइनिंग भी करनी पड़ेगी क्योंकि हमें वो चाहिए। और हमारी 16 टॉर्चेस ही बनी अकेली यार, चलो कोई बात नहीं, 16 टॉर्चेस बन गई, थोड़ी सी बाद में बन जाएंगी, उसके बाद हम इन सारी टॉर्चेस को खर्च कर देंगे, मतलब यहीं कहीं ना कहीं लगा देंगे। और हमें जो सैपलिंग्स मिल गए हैं ना दो एक्स्ट्रा, इन दोनों सैपलिंग्स को भी मैं अभी कहीं ना कहीं जाकर लगाने वाला हूँ। पहले मुझे थोड़ी सी ओ डर्ट चाहिए भाई साहब, यार मुझे लगा वहाँ पर नीचे स्पेस हो गई, चलो कोई बात नहीं यार, हम घिर गए अभी तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम डर्ट लगा देते हैं केवली। मुझे थोड़ी सी एक्स्ट्रा डर्ट चाहिए थी जहाँ से, मतलब मैं थोड़ी सी और कहीं पर सैपलिंग्स लगा सकूं, लेकिन अभी तो हमारे पास सैपलिंग्स ही नहीं रहे। अभी हमें वेट करना पड़ेगा कि कब ये ट्री उगेगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। अभी सही है, हमारे पास 4 एक्स्ट्रा डर्ट आ चुकी है जिसको कि हम कहीं पर भी लगा सकते हैं, जैसे कि वहाँ पर बीच बीच में लगा सकते हैं ताकि हम वहाँ पर भी ट्रीज उगा सकें। तो जितनी देर तक हमारा ये उगता है उतनी देर तक हमें माइनिंग करनी चाहिए। थोड़ी सी माइनिंग करने के लिए हमें चाहिए होगा थोड़ा वुड, एक मिनट, जो कि हमारे पास नहीं है, पिकैक्स भी हमारी गुम चुकी है और हमारे पास वुड भी नहीं है, वो भाई साहब। हमको बस कुछ नहीं कर सकते, हम ये ट्री के उगने की वेट कर सकते हैं। मैं करता हूँ ट्री के उगने की वेट, जब ट्री उग गया तभी मैं आपको मिलूंगा। अरे भाई साहब, फाइनली हमारा ट्री उग चुका है और ये काफ़ी सही ट्री उगा, पिछले ट्री में तो वुड भी बहुत ज़्यादा कम थी। अभी हम इस ट्री को तोड़ लेते हैं, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि मैं करूँगा अपने इसी मतलब स्काई ब्लॉक के अंदर, जो कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। जैसे अभी ये ट्री उगने की हमें वेट करनी पड़ी थी बहुत ज़्यादा टाइम, कम से कम 10-15 मिनट लग गए इस ट्री को उगने के लिए। अभी मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर एक पूरा ऊपर तक प्लेटफॉर्म बनाऊंगा, स्पॉनेबल प्लेटफॉर्म, जहाँ पर मतलब जो जॉम्बीज वगैरह हैं वो स्पॉन हो सकेंगे, और उसको फेंस अप कर दूंगा या चाहे कोई जुगाड़ वगैरह लगा दूंगा ताकि वो बाहर ना निकल आए, और वहाँ पर फिर स्केल्टन्स वगैरह भी स्पॉन होंगे। जो स्केल्टन्स स्पॉन होंगे वहाँ पर उनको मारकर हम बोन से ले लेंगे, और बोन्स को लेकर हम बोन मील में कन्वर्ट कर लेंगे, जिससे कि हम अपने ट्रीज वगैरह जल्दी उगा पाएंगे और अपनी आने वाले टाइम में जो भी हमारे पास क्रॉप्स वगैरह होगी उसको भी हम जल्दी से जल्दी उगा पाएंगे। ये आइडिया मुझे तो अच्छा लगा, आपको बताना कैसा लगा। बाकी सबसे पहले तो हम यार ये जल्दी से ट्री तोड़ लेते हैं, ये काफ़ी बड़ा ट्री आया है इस बार, काफ़ी तो नहीं मतलब ठीक आया, पिछले ट्री से तो बड़ा ही आया, और हमारा ट्री टूट चुका है। अभी हम इसको प्लैंक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा ही हमें, 1-2 इतना बहुत आई थिंक सो। अभी ना पहले मैं पिकैक्स वगैरह बना ही लूँ यार, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता और कहीं फिर से हमारा सारा सामान, पिकैक्स बना लेते हैं और अभी हमें किसी की ज़रूरत नहीं, और इसका कोल बना लेते हैं और हम और भी सैपलिंग्स वगैरह लगाते हैं। एक सैपलिंग आ गया, वेरी नाइस, इसमें से अगर हमें 2-3 सैपलिंग्स मिल गए ना तो मैं कहीं और भी ट्री लगा दूंगा एक, ताकि हमें मतलब और थोड़ा सा ज़्यादा वुड मिल सके, और एप्पल मिल गया है, ये बढ़िया बात हुई। वैसे तो मैं अभी बैठा हुआ लेकिन अभी फिर भी डर लग रहा है कि भाई साहब नीचे मत गिर जाना अभी, अभी फिर से नहीं तो हमारा एक और सैपलिंग खराब हो जाएगा। बस जल्दी से एक और सैपलिंग दे दे यार ट्री, क्या है तुझे, ओ भाई साहब दे दिया, अच्छा ट्री है, इसको लगा देते हैं यहाँ पर। और हमारे पास कुछ सैपलिंग है क्या, नहीं यार तो कोई भी सैपलिंग नहीं है हमारे पास, चलो कोई बात नहीं, हम डर्ट को निकालते हैं और ये सैपलिंग भी लगा कर आ जाते हैं हम, यहाँ पर लगा देते हैं, नहीं ऐसे करता हूँ यहाँ पर लगा देता, ऐसे करके, और जो हमारा स्पॉनेबल प्लेटफॉर्म होगा वो भी कुछ ऐसा दिखेगा, शायद मैं इसके आगे बना दूँ ताकि वो हमें मतलब मार ना पाए, लेकिन वहाँ पर वैसे सही लगेगा। बाकी ये ट्री उगेगा और ये ट्री उगेगा, इन दोनों की हम वेट करते हैं, और उतनी देर तक हमारा ये बन चुका है, इसको हम निकाल के बना लेते हैं हम टॉर्चेस थोड़ी बहुत,
आठ टॉर्चेस बन गई, सिर्फ आठ टॉर्चेस। सो अभी उतनी देर तक हम करते हैं माइनिंग जितनी देर तक हमारे ट्रीज वगैरह उगते हैं, क्योंकि हमें और भी अभी ट्रीज की जरूरत होगी ताकि हम स्टोन के टूल्स बना सके जो कि हमने गवा दिए हैं। सो दैट्स व्हाई। और हमारी एट टॉर्चेस बन गई, हमारे पास अभी भी दो चार कोल बना है पड़ा है, मतलब 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 टॉर्चेस दोबारा से बन जाएगी, और थोड़ा सा चारकोल हमें और चाहिए होगा ताकि हमारी 32 टॉर्चेस जो है बन सके, मतलब 4 या 5 चारकोल और चाहिए होगा हमें सिर्फ, वो तो हमारा आसानी से बन जाएगा 2-3 से। सो अभी मैं करता हूँ माइनिंग जितनी देर तक मेरी पिकैक्स नहीं टूटती, जब मेरी पिकैक्स टूट गई तब तो फिर माइनिंग बंद करनी पड़ेगी। तो अभी मैं करता हूँ माइनिंग। सो गाइज हमने मतलब कॉबरस्टोन की माइनिंग काफ़ी कर ली है, लेकिन अभी तक ये आप देख सकते हो अभी तक हमारे ट्रीज नहीं उगे यार, इतना टाइम लेते हैं ये उगने के लिए। और मेरे पास 51 कॉबरस्टोन आ चुके हैं, जिससे कि सबसे पहले मैं स्लैब्स बनाकर थोड़ी सी और इस एरिए को पूरा का पूरा भर देता हूँ अभी, ताकि हम अपना घर बना सकें। वैसे जिस हाल से मतलब जिस तरह से हमारा काम चल रहा है, मुझे तो नहीं लगता कि आज के एपिसोड में हम अपना घर पूरा कर सकेंगे, थोड़ा बहुत शायद पूरा हो जाए लेकिन मुझे नहीं लगता कि हो गया, क्योंकि हमें घर के अंदर थोड़ा बहुत वुड से भी काम करना होगा और वुड हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। हमें पहले तो एक जंगल वगैरह बनाना पड़ेगा जिससे कि हमें काफ़ी सारी वुड मिल सके, और उस वुड से हम फिर अपना घर बना सकें। और हमारे पास स्लैब्स भी ख़त्म होगी, थोड़ी और बनानी पड़ेंगी, जल्दी से बना लेते हैं। और यार ये ट्रीज उगने में बहुत टाइम लगते हैं, हमें बोन मिल तो चाहिए ही होगा। ओ माय गॉड, गलत लगा दिया, अरे फिर से गलत लगा दिया, ओ भाई व्हाट मैन, भाई साहब मैं स्लैब्स की जगह उनसे मतलब जो भी ये होता है कॉबलस्टोन से लगा रहा था, और मैंने कहा ये गलत कैसे लग रहा है बार बार, और ये कॉबलस्टोन थे। चलो कोई बात नहीं। और हमें मतलब मैं देखता हूँ कि हमें क्या मतलब बोन मील मिलेगा कोई भी अचीवमेंट कर कर पूरी। तो हम अभी देखते हैं, नहीं इसमें भी नहीं। इसके बाद जो हमारे 32 टॉर्चेस वाला है, 32 टॉर्चेस वाला टास्क, इसके बाद हमें काउज एग मिलेगा, और उसके बाद पिग स्पॉन एग मिलेगा, मतलब इसके बाद स्पॉन एग मिलेंगे काफ़ी सारे, और 7th में 64 ऑक लॉग्स इकट्ठे करने पड़ेंगे भाई हमें, तब तक तो जंगल बनाना ही पड़ेगा। और हमें यार बोन मील कहीं से नहीं मिलेगा ना, अभी तक तो कहीं भी नहीं बोन मील। ओ एंड पोर्टल भी, हम मतलब एंड में भी जा सकते हैं इसके अंदर। सो यार ये बहुत ही बढ़िया स्काई ब्लॉक है, अगर आप भी डाउनलोड करना चाहो तो मुझे बता देना, मैं आपको फिर अगली वीडियो के अंदर इसका लिंक डाउनलोड करने के लिए दे दूंगा, इस वीडियो के अंदर नहीं अगली वीडियो के अंदर, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप कमेंट्स कर बताना। सो आज के एपिसोड में बस इतने रखते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर से करके जाना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और आज के एपिसोड में हमने मतलब घर के बनाने की जगह पूरी कर ली, और थोड़े बहुत टॉर्चेस बना ली, एडवांसमेंट तो हमने कोई भी पूरी नहीं की क्योंकि हो ही नहीं पाई, बाकी हम एडवांसमेंट पूरी करने की कोशिश करेंगे अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में तो पक्का ही हो ही जाएगी एडवांसमेंट पूरी। और मैं आपको एक अपना स्टाइल दिखाता हूँ, जैसे अभी मेरे को भूख लगी है ना, अगर मेरे को भूख लगी सभी अपना सामान अंदर रख कर मर जाओ, भूख ख़त्म। सो आज के एपिसोड में बस इतना रखते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वो तो मैंने पहले ही बोल दिया क्या करना, और हमारा ट्री उग गया, वेरी नाइस। बाकी हम आप अब तो अगले एपिसोड में करेंगे अपना अचीवमेंट पूरा। सो गुड बाय।